क्या कहने हैं यूपी पुलिस के। हमेशा चर्चा में बनी रहने वाली यूपी पुलिस कभी अपनी लापरवाही को लेकर तो कभी एनकाउंटर को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन इस बार यूपी पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। दरअसल हमीरपुर पुलिस ने एक छात्रा को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया। कोतवाल बनकर छात्रा ने लोगों की फरियादें सुनी और पुलिस कर्मियों को आदेश भी दिए। आपको बता दें कि पुलिस ने महिला जागरूकता अभियान के तहत स्कूल की लड़कियों को थाने में बुलाकर पुलिस की कार्यशैली से रूबरू करवाया और साथ ही छात्राओं को पूरे थाने में घुमाकर हथियारों और आंसू गैस के बारे में भी बताया। उन्हें पुलिस के आवास भी दिखाए गए और बताया गया कि कैसे पुलिस 24 घंटे काम करती है। तस्वीरों में दिख रही इस छात्रा का नाम अंशिका है। अंशिका जरिया थाना क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा है। बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और वो मैंने देखा तो मार खाना और वो भी देखा तो वो भी अच्छा है, मुझे यहाँ पे भी अच्छा भी लगा है। मुझे यहाँ पे कुछ भी कमी नहीं, अगर मिलती तो मैं बताती हूँ। नहीं तो कैसा फील हुआ आपको एक दिन का इंस्पेक्टर बनने के बाद? मुझे अच्छा फील हुआ। एक छात्रा को प्रभारी निरीक्षक के कर्तव्यों के बारे में साविस्तर जानकारी और थाने का निरीक्षण कराया गया, तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये रहा कि शासन के मंशा के अनुसार मैं और सुरसिका साहब दोनों लोग कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जरिया में कल एक गोष्ठी हम लोग किए थे। गोष्ठी में बालकों को जागरूक किया गया था। उसी समय वहाँ के वार्डन और बालिकाओं ने थाना के कर्तव्यों के बारे में जानना चाहा था और इसी कार्य को बताने के लिए हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया, तो वहाँ के वार्डन और टीचर करीब 15 बालिकाओं को लेकर के थाना उपस्थित आई, जिनको कुर्सी में बकायदे बैठा करके सामान पूर्वक उनको बैठाया गया। बैठाने के बाद थाना के कर्तव्यों के बारे में, कार्यालय के बारे में, वार्डन के बारे में, आजकल कंप्यूटर पर जो मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं उनके बारे में, स्वर्ण नंबर गाड़ी के बारे में बताया गया, महिला हेल्प डेस्क के बारे में बताया गया, दिवसाधिकारी कर्तव्यों के बारे में बताया गया। अब बताकर जागरूक किया गया कि कोई भी बालक हो, बालिका हो, कोई व्यक्ति हो, पुलिस से भय न खाएं, बेहिचक पुलिस थाने में आकर के अपनी बात बताना, क्योंकि बहुत लोग या बहुत बालिकाएँ पुलिस से बात करने में डरती है, हिचकती है कि हम कैसे बात करें, कैसे थाने जाएं। उसी भय को दूर करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया था, जिससे बच्चियाँ बहुत संतुष्ट रही और उन्होंने ये भी जागरूक किया गया कि अपने जा करके अपने परिवार के गांव के लोगों बच्चियों के बताएं कि पुलिस से बात करने में कोई समस्या बताने में हिचके ना, तुरंत बतावें, हम लोग उनके सहयोग के लिए हैं और यथासंभव जो भी सूचनाएँ मिलती है या मिलेगी हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे।